हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लो कंपटीशन कीवर्ड्स कैसे सर्च करे जाते हैं और लो कंपटीशन कीवर्ड्स पर वर्क करने का क्या फायदा है। दोस्तों, डेफिनेटली आप ब्लॉग या अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं और आपको चाहिए ऐसे कीवर्ड जिसके थ्रू आप कम कंपटीशन में आपकी वेबसाइट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर अचीव हो गए हैं लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद से। सो आप सभी लोगों का थैंक यू। जो लोग रेगुलर हमारा वीडियो देखते हैं उनका भी, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको भी एक बार दिल से थैंक यू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा ये कीवर्ड्स फाइंड करने का, कीवर्ड को पहचानने का तरीका, किस तरह से हम कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे और किस तरह से आप उस पर आपके ब्लॉग पर इंप्लीमेंट करिए और किस तरह से आपको इस लो कंपटीशन कीवर्ड का, और जिसका वॉल्यूम काफी ज्यादा होता है, उस पर वर्क करने का कैसे आपको बेनिफिट मिलेगा। आ जाइए हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन की ओर, शुरू करते हैं हमारा ये प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये है आरिफ टूल जहाँ पर के हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अगर आप देखेंगे टॉप पर उन्होंने दिया हुआ है कीवर्ड एक्सप्लोरर, और इसी में हम सर्च करेंगे कीवर्ड। बट बिफोर वी कैन कीवर्ड सर्च करने से पहले हमें बहुत सारी चीज़ें हमें जानना रहती है कि हमारा कैटेगरी क्या है या हमारा कीवर्ड्स का रिलेशन क्या है या हमारे कीवर्ड्स किस तरह का है, किस टाइप का है। ये सब सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस टाइप का कीवर्ड सर्च कर रहे हैं। कीवर्ड्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, आपका रिलेवेंस कीवर्ड कौन सा है उसके लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। सबसे ज़्यादा जो सर्च होता है वो हमारे इंडिया में म्यूजिक्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, इससे रिलेटेड होता है। दूसरा है हमारा जॉब से रिलेटेड, बहुत है अच्छे कीवर्ड्स हैं जिसपे बहुत लो कंपटीशन रहता है एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तीसरा वेदर, तो सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड शुरू शो होता है वो है वेदर, और मैं आपको दिखाऊंगा वेदर के ऊपर कि किस तरह से इसमें कितना कीवर्ड्स का वॉल्यूम है, कितना पॉपुलरिटीज़ है। देखिए यहाँ पर ये मैंने जैसे ही सर्च किया, इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो है वो 70 है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, और जो सर्च वॉल्यूम है 2.7 यानी 27 लाख का सर्च वॉल्यूम है। अब इस मेन कीवर्ड से आप अल्टरनेट दूसरे कीवर्ड कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको मेन ये बताऊंगा। तो देखिए राइट साइड में आपको यहां पर दिया हुआ है ऑल कीवर्ड्स, आपको क्लिक करना है ऑल कीवर्ड्स पर। जैसे ही आप ऑल कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे यहां पर एक लंबा लिस्ट आ जाएगा और देखिए यहां पर उसका सर्च वॉल्यूम आना शुरू हो जाएगा। देखिए वेदर कीवर्ड जो था उसका कीवर्ड डिफिकल्टी तो बहुत ज्यादा था, सर्च वॉल्यूम उसका 2.7 मिलियन यानी 27 लाख था। उसके नीचे आप देखेंगे कि वेदर टूडे जो कि जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी एकदम ज़ीरो है और सर्च वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 2.90 लाख यानी लगभग 3 लाख के आसपास इसका सर्च वॉल्यूम है और उस पर 1 लाख के आसपास क्लिक आते हैं। उसके आगे और देखेंगे हम, यहाँ पर लो कंपटीशन कीवर्ड है लाइक जस्ट दिल्ली वेदर, चेन्नई वेदर, बेंगलोर वेदर, मुंबई वेदर पे ज़ीरो है और उसका सर्च वॉल्यूम है 1,80,000। तो इसको हम यहाँ से, ये सब सारे कीवर्ड्स हैं, इसको हम लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर में मिनिमम हमारा ज़ीरो है, कुछ नहीं डालेंगे या फिर ज़ीरो छोड़ देंगे, और उसके आगे डालेंगे हम 10। तो अभी ये आरिफ टूल हमें जितने भी लो कंपटीशन कीवर्ड्स है वो यहाँ पे पूरा दिखा देगा। देखिए वेदर्स जितने भी थे जो 10 से अबव के थे वो उसने निकाल दिए। कोलकाता का देखेंगे कि 2 का कंपटीशन है, 1 लाख का सर्च वॉल्यूम है। मैनचेस्टर वेदर देखेंगे तो हैदराबाद वेदर, सब 1 लाख से ऊपर ज़्यादा का इनका सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन ऑलमोस्ट 0, 0, 0 या अप टू 10, मैक्सिमम 10 मैंने सेलेक्ट किया है तो 10। इसके अलावा मैं दूसरा कीवर्ड आपको बताना चाहूँगा। दूसरा कीवर्ड देखेंगे हम यहाँ पर रिलेटेड टू जॉब। जॉब से रिलेटेड बहुत इंडिया में सर्च होता है, इस टॉपिक पर भी अगर आप वर्क करेंगे तो आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक मिलेगा, इतना ट्रैफिक मिलेगा। बट इस कीवर्ड्स में क्या है कि आपको रेगुलर अपडेट रहना पड़ेगा रेगुलर न्यू जॉब्स के लिए। तो इसमें भी हम यही करते हैं, कीवर्ड डिफ़िकल्टी इसको 0 एंड मैक्सिमम 10, और इसको अप्लाई करते हैं तो जितने भी हमारे लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और उसको कॉपी कर लीजिए
देखिए, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, इसका 8 का डिफिकल्टीज है, ऑलमोस्ट 99K, 1 लाख का कीवर्ड वॉल्यूम है। सो इस कीवर्ड पे अगर आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको इस पे अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, जल्दी ट्रैफिक मिलेगा, और आप कम टाइम में अपने कीवर्ड्स को रैंक करा सकते हैं। डेटा एंट्री जॉब का देखेंगे कि 60,000 लोग सर्च करते हैं डेटा एंट्री जॉब को इंडिया में एवरी मंथ। सो इसका कीवर्ड डिफिकल्टी एकदम जीरो है। सो यहाँ पर मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स नहीं दिखा रहा हूँ जो रिलेवेंस नहीं है, आपको ये टेक्निकल में, टेक में भी काम आ सकते हैं, जॉब में भी काम आ सकते हैं, और काफ़ी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब का देखेंगे, देखिए 38-40,000 ऑलमोस्ट लोग इसको सर्च करते हैं पार्ट टाइम जॉब। बहुत सिंपल सा और इजी कीवर्ड है पार्ट टाइम जॉब नियर मी, 30,000 का कीवर्ड है, सर्च वॉल्यूम है, और कीवर्ड डिफिकल्टी जीरो है। सो जॉब से रिलेटेड आपको चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सारे कीवर्ड्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इस कीवर्ड्स पर आप काम करेंगे तो आपको कम टाइम में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। देखिए, रेलवे का जॉब अक्सर लोग सर्च करते हैं जिसका 30,000 ऑलमोस्ट सर्च वॉल्यूम है। इसके बाद मैं अभी आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ सॉन्ग के रिलेटेड। अगर आप म्यूजिक वेबसाइट चला रहे हैं या उससे रिलेटेड आपका चैनल है तो आप सॉन्ग कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं, इस पर भी काफ़ी सर्च वॉल्यूम मिलता है। ये देखिए, इस पे तो ऑलमोस्ट शॉर्ट कीवर्ड हैं ये, बट अगर हम लॉन्ग कीवर्ड्स देखेंगे इस पे, देखिए ये धानवी भानुशाली का, इनका एल्बम काफ़ी पॉपुलर हुआ, 1 लाख लोगों ने सर्च किया, जिसमें इनका कीवर्ड जो वॉल्यूम है 1 लाख का है, कीवर्ड वॉल्यूम जो है वो 1 लाख का है, और सर्च डिफिकल्टी 7 की है। MP3 सॉन्ग डाउनलोड पर भी आप देखेंगे 0 कीवर्ड है और 70,000 का ऑलमोस्ट सर्च वॉल्यूम है। सो इस कीवर्ड पे आप वर्क करेंगे, ये कीवर्ड्स आप नोट डाउन कर लीजिए और इस पर आप वर्क करिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप आपके ब्लॉग पर, आपकी साइट पर लो कंपटीशन कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, और उसी से आप टारगेट करेंगे और उसी से आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और जितना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा उतना जल्दी आपके पास ट्रैफिक आएगा, और आपका जो ऑनलाइन अर्निंग का सिस्टम है या दूसरे कोई मीडियम्स है, आपको क्लाइंट्स चाहिए। दोस्तों, अगर SEO से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, और आपको इमीडिएट रिप्लाई मिलने के चांसेस रहेंगे मेरी तरफ से। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।